بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده وأصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد وقال الله تبارك وتعالى والعشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. بعد الصبر छोटी सी जिंदगी लेकर भेजा और विश्वास में बच्चे अल्लाह पाक ने अता फरमाई, इतनी नेमत अल्लाह पाक ने अता फरमाई है कि आदमी अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहे तो बोलो नहीं करते। आगे जुबान, हाथ पैर, दिल, दिमाग, बाबा खाने की, हजम करने की, चलने की, फिरने की, उठने की, सोचने की, ये तमाम की अल्लाह की तरफ करती। एक नियमत अल्लाह पाक ने हम तमाम को मेहनत करने की अल्लाह फरमाई। दुनिया का हर आदमी मेहनत में लगा है और ये नियमत अल्लाह की तरफ से मर्द भी, औरतें भी, बच्चे भी, जवान भी, बूढ़े भी मेहनत में लगे। अब हमें इस बात को सोचने की जरूरत है कि उसको जो आया हमारी मेहनत का रूप सही है। अंबिया अलैहिस्सलाम की बतलाई हुई जिंदगी में जो मेहनत का निजाम था, अगर हमारी मेहनत का निजाम वही है तो मैं आप अल्लाह का शुक्र कर आखिरत की जिंदगी पर यकीन रखते हैं, वरना
अल्लाह ने कुरान पाक में बयान किया और मैं समाज करते थे कहीं तरह हमारी अंदर का जो मेरे कर्मों को छोड़ेगा जो मेरे नबी के तरीके को छोड़ेगा जो कुरान के खिलाफ की जिंदगी को गुजारेगा अल्लाह पाक फरमाते हैं हम ऐसे इंसानों की जिंदगी को तब कर दे। फिर मसले का हल किया हमारी मेहनत तो दुनिया के लिए अरे बोले है क्या
के सिवाय कितने होंगे? 70 लाख। ये कहने पर क्या है, इस जमाने में 20 रुपए लीटर पेट्रोल था, आज 70 रुपए का पेट्रोल हो गया। एक जमाने में मकान 5 लाख रुपए में मिलता था, आज 3 लाख का मिलता है, बहुत बंद है। उसी में कहा से हुए यहां निकलने का कोई इंतजाम नहीं है। यदि अगर तुम्हारे
दुनिया का दस्तूर है। अगर हम ये चाहते हैं कि माँ बाप की आंखों में
कोई क्रेम नहीं, कोई ऑटोमेटिक स्विच नहीं, इस अमान को अल्लाह पाक ने ऑटोमेटिक स्विच बनाया। हमारे दुनिया और आखिरत के फैसले का हक अल्लाह ने तीनों दिन की मेहनत कर रखा है। हम धोखे में न रहे, हमारे पास तो माल है, हमारे पास तो औरता है, हमारे पास तो कुर्सी है, हमारे पास तो पावर है, नहीं तो और
वजह से उसका रोना बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं तकलीफ छोड़कर क्या सही कागज को अल्लाह ने कुरान और हदीस से नजर रखा है। तो बीवी ने कह दिया कि फिलहाल कर लो, कोई भी इज्जत अपने की जरूरत नहीं। Yeah.
जो दुनिया से निकल रहा है वो खाली हाथ निकल रहा है। तो चूहा सोचा सोने के सिक्के लेकर आप तो मेरी बीवी को छोड़ दो, लेकिन मिर्जा जी के आश्रम में बोला ये 70वीं मर्तबा गया नहीं मैं। जो चीज नुकसान थी उसको अल्लाह ने नफे का दर्जा बनाया। अब ये 70वीं मर्तबा गया सोने का सिक्का और फटी हुई ठेकी लेकर आया और डाक करके अब कह देना अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब उनको यकीन आ गया कि उन्होंने छोड़ दिया। अभी दोनों कहते उनके चले मैं और आप होते हुए क्या करते आज आप मैं फजल रब्बी अल्लाह का फजल हो गया सीधे कहा जाते हो बोलो। अरे बोलो कहा जाते हैं घर जाते हैं और बीबी को गाड़ी में बिठाकर किसी मोल में ले जाते हैं जरा अल्लाह का फजल हो गया। वहां ऐसा नहीं था। तकवे वाली जिंदगी है ईमान दिलों में उतरा हुआ है। जैसे हम अल्लाह को जब बोले वहां ऐसे अल्लाह के मकान वहां गए तो उस ईमान की बुनियाद के ऊपर कहने लगे मेरे मकान वहां नहीं आ सकती। सोचा अपने अंदर सफल बनी ऐसे अल्लाह आपका मकान महीने में जलते जलते सब मकान जलते गए आपके मकान के करीब आकर आप पहुंच गए। इस पर ताज्जुब नहीं है, ताज्जुब इस पर है बैठने वालों ने कहा अबू रज़ा ये लोग वहां से देखकर आए और तुमको मस्जिद में बैठे हो कोई दूरबीन नहीं कोई कैमरा नहीं कोई ऐसी आयकत नहीं थी और आप इतने यकीन के साथ कहने लगे क्या इसलिए के पहले की मांग पर हुई है। अब यह जिस सलाम को सलाम के बदला है इस जिंदगी पर मेहनत की है क्या ऐसा पर ईमान से पर कहा कुरान हमने मेरे ईमान को सीखा उसके बाद कुरान पाक को सीखा कहने लगे मैंने हुजूर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है जो इस दुआ को सुबह के वक्त में पढ़ेगा शाम तक अल्लाह तमाम आबादी से हिफाजत करेंगे, जो शाम के वक्त में पढ़ेगा सुबह तक तमाम आबादी से अल्लाह पाक उसकी हिफाजत करेंगे। जब मैं सुबह में चला मैं इस दुआ को पढ़कर निकला था अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु ये उपस्थ से आगे हुआ है। मैं इसको पढ़कर चला था अब दिल में नहीं था कि सारी अरे ये तो वो आदमी है
आखिर कहेगी कि मात्र बढ़ता हुआ एक की दो प्लस दो की चार, चार की आठ, एक की दो की चार होगा ने ये नजर लिए ये नजर आएगा, लेकिन कुरान की बात किए हम सुनो बिठाए सदने के मुताबिक अल्लाह पर फरमाते हैं वही अपनी सदमा हम सदने को बढ़ाएंगे आगे देखेगी सो रुपये दे पच्चीस रुपये सदमा दे दिया पचहत्तर रुपये रहे पांच कम हो गया, लेकिन कुरान ये कहता है हम सदने के जरिए सदमा को बढ़ाएंगे। ये फकीर फकीर हमारे सूरत जिले के अंदर एक बहुत बड़ी मालदार जब भी कोई आता कभी इनके पास नाम नहीं होती बच्चे की ट्रेनिंग स्कूल की फीस लाइट का बिल, लेकिन दुनिया में आदमी की अच्छी जिंदगी में क्या होता है बोलो, एक आदमी कितना ही सूखी रोटी खा ले और उसका पेट भर गया, अब उसको अच्छी से अच्छी बिरयानी खा के ले तो बोलो आएगा वो तो जन्नत है क्या कहते हैं पचास दे दो तो दूसरा भी पचास मिनट में
इसको किस पर यकीन है बोलो, अरे बोलो, एक फकीर को भी अल्लाह पर यकीन होता है। Thank you.
जिंदगी में ये दावत की दोबारा मेहनत के जरिए से
और मजदूर का पसीना खुश होने से पहले मजदूरी देने का हुआ है। आज मैं बोल नहीं, एक रुपया दो और देने के मौके में 80 रुपये बराबर मामला काम किया। तो मामला तो मशाला का दीन है और दीन तो पांचों शोबे का नाम है और अल्लाह का हुक्म है। या यूहन्ना दीनाम नसूलु फिस्सीन में काम पर ईमान वाले पूरे के पूरे इस्लाम में काम को सिर्फ नमाज नहीं सिर्फ रोजा नहीं बल्कि ये तो इबादत है। नमाज रोजा ज़कात और हज फिर मामला तो मशाला कैसे रहना कैसे कारोबार करना। मेरी मानिया नमाज को बिल्लाह को मलाई रखती है वो सुनाया। एक आदमी को बोला ना, लाठी लेके जाकर 5-7 किलो
कैसा है बोलो, वो बैंक है क्या तो रुपया दिए बगैर मैं नहीं जाऊंगा, सामने से दूसरा ही फोन नहीं है। अरे भाई क्या बात, अरे भाई फाउंड अंदर आ गए हो क्या, मात्र नंबर न मिले बोलो काफी होगा कि नहीं। हमेशा देते थे उमर निकाली जमाने में दिया, हमारा मुझे पैसा भी जमाने में दिया, हमारा इसमें सब जमाने में दिया, तो ये क्या हो गए, उसको भी काफी हो। अरे बोले भाई साहब क्यों बैठो, अरे भाई एक रुपये का सवाल ना देखे लोगों को और सेठ को और सभी को।
हर बच्चे को
मकान में, हर पक्के मकान में तेरे नबी के गायब होने को दाखिल फरमा। के तौर पर हमारा कबूल फरमा। ऐसा हम में से बहुत परेशान है, उनकी परेशानी को दूर फरमा। ऐसा बहुत से मजलूद है, ऐसा हफ्ते के साथ कब्जों में रहे फरमा। ऐसा बहुत से मजलूद है, हफ्ते के साथ दिखाई नसीब फरमा। और सभी बच्चे जवान बड़े हो चुके, ऐसा इनका नेक सारे दौरे का इंतजाम फरमा। बहुत से में औलाद औलाद की तमन्ना है, ऐसा नेक सारे औलाद अता फरमा। आंखों की खुलकर का सामान बना, बहुत से बच्चे नाफरमाने हैं, उन जमावों की आंखों की खुलकर का सामान बना। ऐसा प्यारे नबी ने जितने खेत की लाइफ की दुआएं मांगी है, हम भी तुझसे मांगते हैं, हमें खेत नसीब फरमा। और जिन शुरू से भला चाहिए, हम भी तुझसे भला मांगते हैं, हमें भला नसीब फरमा। اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.